हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है शिक्षक भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी खबरें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं तो एक शेयर ज़रूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जल्द जारी की जा सकती है। सोमवार या मंगलवार को यह लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद काउंसलिंग कराई जाएगी, फिर सहायक अध्यापकों को नियुक्ति और स्कूल आवंटित किए जाएंगे। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के बाद 1 जून को परिणाम भी जारी कर दिया गया और चयनित अभ्यर्थियों की पहले दिन काउंसलिंग भी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे लगा दिया था। अब शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर बाकी 31,661 पदों का परिणाम घोषित किया जाना है। यह परिणाम अगले सप्ताह जारी किए जाने की तैयारी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि विज्ञापन संख्या 47 को लेकर ये अपडेट है। नियुक्ति के लिए इसमें अभ्यर्थी भटक रहे हैं और इनकी फाइलें शासन में अटकी हुई है। ये तकनीकी खामियों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया में अड़चन है। 4 साल पहले विज्ञापन संख्या 47 के तहत शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया और उच्च शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग भी करा दी थी, और इसके बावजूद बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। फाइलें शासन में अटकी हुई है और इसमें किसी अभ्यर्थी की भी कोई गलती भी नहीं है। तकनीकी कारणों से नियुक्ति में अड़ंगा लगा हुआ है। और TGT PGT नए विज्ञापन को लेकर कल धरना प्रदर्शन था, उसकी हमने आपके लिए एक वीडियो भी शेयर किया था अपने चैनल पर। तो अगले माह आपका विज्ञापन जारी करेगा चयन बोर्ड, यह आश्वासन दिया गया है बोर्ड के उपसचिव के द्वारा। और इसमें ज्ञापन सौंपा गया है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अक्टूबर में वर्ष 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। यह आश्वासन चयन बोर्ड के उपसचिव नवल किशोर ने शनिवार को प्रतियोगी मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में दिया। इस दौरान कई मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई। इसमें पहले अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया और उपसचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रतियोगी मोर्चे के प्रदेश संयोजक विकी खान के अनुसार उपसचिव ने आश्वासन दिया है कि 2020 कि नई भर्ती का विज्ञापन अगले माह जारी किया जाएगा। यह नए विज्ञापन में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जीव विज्ञान वालों के लिए भी अच्छी खबर है, उनको मौका मिलेगा। और विज्ञापन वर्ष 2011 की जीव विज्ञान लिखित परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर में जारी किया जाएगा। TGT विज्ञान के 4 अभ्यर्थियों में TGT अंग्रेजी के 7 अभ्यर्थियों के छोटे साक्षात्कार को कराने की तिथि कभी भी जारी की जा सकती है। और इसके मुताबिक 2016 के TGT विज्ञान और TGT अंग्रेजी के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची को अधिकतम रखने और नए विज्ञापन वर्ष 2020 में तदर्थ शिक्षकों को उनके द्वारा रिक्त मूल पदों पर ही भारांक मिलने और सामान्य चयन के पदों पर भारांक न देने पर सहमति बनी है। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है, अगले माह आपका नया विज्ञापन आएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, PCS 2019 की मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब इसके रिजल्ट का इंतज़ार है। अभ्यर्थियों को COVID-19 के कारण परिणाम आने में हो सकती है देरी, दुगने अभ्यर्थी होंगे क्वालिफाई। PCS 2019 की मुख्य परीक्षा शनिवार को पूरी हो गई। आखिरी दिन 2 पालियों में वैकल्पिक विषयों की परीक्षा आयोजित की गई। अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि COVID-19 के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विशेषज्ञ एवं परीक्षक समिति संख्या में आ रहे हैं, ऐसे में मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। PCS के 474 पदों पर ये भर्ती होनी है और PCS मेंस 2020 से पहले आए रिजल्ट। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है, PCS 2019 का अंतिम चयन परिणाम PCS 2000 मुख्य 20 के परीक्षा से पहले जारी किया जाए। और फ्रेंड्स, यदि आप चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय दिल्ली में जॉब चाहते हैं तो जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार चल रहा है, वहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। पदों की संख्या 10 है, वेतन इसमें 56,100 रुपये लेवल 10 के अनुसार निर्धारित है। आयु अधिकतम 30 वर्ष है। चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, ठीक है। तो आप वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। साइंटिस्ट बी के पदों पर अवसर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ICMR
41 कुल पद हैं, साइंटिस्ट बी मेडिकल नॉन मेडिकल, आयु सीमा अधिकतम 35, आवेदन की अंतिम तिथि को, ठीक है। और इसमें शुल्क 2000 रुपये से 1500 रुपये भी हैं, निःशुल्क भी है, वर्ग अनुसार निःशुल्क है, और वेतन 56,100 से अधिकतम 1,77,500 रुपये। अंतिम तिथि 2/10/2020 है ऑनलाइन आवेदन की। और IIT बॉम्बे गेट 2021 अंतिम तिथि नज़दीक है, जल्द करें आवेदन। BE BTech BPharma BR MBBS SSC MA इत्यादि व अन्य पात्रताएं इसमें हैं। आवेदन 750 से 1500 रुपये वर्ग अनुसार होगा। और कुल विषयों की संख्या 27 हैं, सेक्शन जनरल, एप्टीट्यूड GA और चयनित विषय। परीक्षा का संभावित माह फरवरी 2021 है। कुल प्रश्न 65 आएंगे, 10 GA के और अन्य 55 विषयगत के अनुसार इसमें प्रश्न रखे जाएंगे। 30 सितंबर 2020 आवेदन की अंतिम तिथि है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट से विज्ञप्ति को देख सकते हैं। और ये लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय पर किया घेराव। 31,661 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियम का उल्लंघन का आरोप करते हुए कई जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शनिवार को निशांतगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर घेराव किया। पुलिस उन्हें वहां से हटाने लगी तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने सभी को अपने वाहन में लादकर इको गार्डन छोड़ दिया। वहां अभ्यर्थियों ने काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया। बाद में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र कुमार बहादुर सिंह ने इको गार्डन पहुंचकर उनकी मांग शासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। और ये विज्ञापन को लेकर आप देख सकते हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया, तो अगले माह आपका विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है। और मिली है यहाँ पर राहत, 20 रुपये में बनवाए निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र। जल्द ही मिलेगी सभी 74 ई सुविधा केंद्रों पर सुविधा। कस्टमर केयर नंबर से ले सकते हैं आवेदन संबंधित जानकारी। आय जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है। आवेदनकर्ता ई सुविधा केंद्र में 20 रुपये जमा करके आवेदन कर सकते हैं। साथ ही निर्धारित दिनों में केंद्र में प्रमाण पत्र ले सकते हैं। सुविधा शहर के सभी 74 ई सुविधा केंद्रों पर जल्द मिलेगी। फिलहाल 17 केंद्रों पर यह सेवा मिलनी शुरू हो गई है। यह सुविधा UPIL तालकटोरा, विक्टोरिया चौक, क्लाइव रोड, गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल मुख्यालय आसियान और विश्वासखंड इंजीनियरिंग कॉलेज, पूर्णिया पावर हाउस, भूतनाथ इंटर, इंद्रनगर, विकास नगर, सेक्टर 14, इंद्रनगर, सिंगार नगर आदि में ये मौजूद सुविधाएं चल रही हैं। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण जानकारी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर अपडेट है, ये पहली बार 5 विषयों की परीक्षा नहीं, ऐच्छिक विषयों के दूसरे प्रश्न पत्र में समसामयिक के मुद्दे पर सवाल, जो आपका एग्जाम चल रहा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग हर परीक्षा परिणाम में रिकॉर्ड बना रहा है। PCS 2019 की मुख्य परीक्षा भी अछूती नहीं रही। आयोग ने पहली बार 5 विषयों रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, कृषि अभियंत्रिकी, अरबी और फारसी का इम्तिहान नहीं कराया। यह बदलाव UPSC की तर्ज पर किया गया। हालांकि यह दूसरी परीक्षा थी जो बदले पैटर्न पर कराई गई। ज्ञात हो कि PCS 2018 की मुख्य परीक्षा में ही पैटर्न बदला था, लेकिन तब 5 विषयों पर मुख्य परीक्षा में शामिल थे। UPSC की PCS 2019 की मुख्य परीक्षा 22 सितंबर को शुरू हुई। चौथे दिन शनिवार को प्रथम पाली के ऐच्छिक विषय पेपर फर्स्ट, द्वितीय पाली में ऐच्छिक विषय पेपर टू की परीक्षा हुई। और दोनों पालियों के लिए 6,119 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रथम पाली में 4702 व द्वितीय पाली में 4694 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। और PCS 2019 मुख्य परीक्षा ख़त्म, 4 दिन तक 3 शहरों में बदले पैटर्न पर यह इम्तिहान पूरा हुआ। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट आपको डेली मिलते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।